कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। प्रशासन भी लोगों को लॉकडाउन के नियमों की पालना के लिए जागरूक कर रहा है और इसमें जनता भी भागीदार बनकर अपनी भूमिका निभा रही है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं भरतपुर में वायरल हो रहा एक ऐसा वीडियो जिसमें सरेआम लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक दूधिया डेयरी पार्लर पर पहुंचता है और दूध की दो थैलियां खरीदकर केन में मिलाता है। इस दौरान दूधिया अपने मुंह से दूध की थैलियों को काटकर सीधे कैन में मिलाता है। अब आप अंदाजा ये लगाएं, यदि ये व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकले तो कितने लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलेगा। हालांकि कोई नहीं चाहेगा ऐसा हो, लेकिन क्या इसका तरीका सही है या इसे लॉकडाउन के नियम पता नहीं है? अगर ऐसा है तो ये सीधा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। इस मामले को लेकर जब थाना मथुरा गेट के प्रभारी राजेंद्र शर्मा से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो पुलिस को मिला है जो शहर के ओल्ड बिजली घर चौराहे का है, इसकी जांच की जा रही है। कभी भी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दूध दिया अपनी टंकी में दूध की दुकान से थैलियाँ खरीदता है, मुँह से फाड़ने का दे रहा है। अब इस संबंध में ये लेट हुआ है, अभी सब दुकानें बंद हो चुकी। कल सुबह उस दुकान पर जाकर उसका पता कराकर नियम अनुसार